परोल से फरार पत्रकार जेडे के हत्या के आरोपी को एसटीएफ ने बनबसा नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ चंपावत के बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। दीपक सिसोदिया मुंबई की खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है, जो परोल पर छूटकर अपने घर हल्द्वानी आया और वापस जेल जाने की बजाय फरार हो गया। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर और इनामी अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में गठित एसटीएफ टीम के द्वारा इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को चंपावत जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा से गिरफ्तार किया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार दीपक सिसोदिया साल 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जेडे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। साल 2022 के जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से परोल पर छूटकर हल्द्वानी आया, जिसे मार्च में वापस जेल जाना था, लेकिन दीपक सिसोदिया परोल से ही फरार हो गया, जिस पर मुंबई पुलिस ने थाना हल्द्वानी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिस पर एसएसपी नैनीताल ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दीपक सिसोदिया हल्द्वानी का रहना है और दीपक ने अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन राजन गैंग के शूटर्स के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। नवभारत समाचार चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। देखिए, 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे, और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था, और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही, क्योंकि फरार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में, और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पर फरार चल रहा था, उम्र कैद की सजा इसको ऑलरेडी हो रखी थी।